से कम 2-4-500 आदमी तो बर्थडे आते ही होगा खाने हमारे पास। हाँ लगभग आते ही होगा खाने। हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आ चुके आज हुसैनगंज लखनऊ में, तो सुबह सुबह खस्ता खाने आए हैं। कहाँ पर आए? श्री दुर्गा खस्ता भंडार में। तो काफी कुछ रस देख सकते हो आप, भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है। इधर दिखाते हैं आपको नजारे, तो भाई समझ सकते हो भीड़ की वजह से क्या नजारे हैं और फूड क्या मिल रहा होगा। तो चलो चलते सीधे शॉप पे, बात करते हैं ओनर से और फिर बनवाते अपने खस्ते, देखते कैसे बनेंगे और फिर लेते टेस्ट और देखते सर्व करने का तरीका, क्योंकि थोड़ा बहुत यूनिक दिख रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने खाया हुआ डिस्पोजल में ही, लेकिन यहाँ पत्ते में सर्व करा जा रहा। तो चलते शॉप पे बात करते पहले। तो क्या चलिए आगे शॉप पे। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। तो रश वगैरह देख के तो समझ रहे हैं आपकी शॉप के क्या हाल चाल है और कितना टाइम हो गया आपकी शॉप को? 2.5 साल हो गए भैया। 2.5 साल हो गए। क्या क्या खिला रहे हैं लोगों को? खस्ते हैं, वड़े हैं, छोले भटूरे हैं, पूड़ी है, छोले चावल है। इतना आइटम है, इतने आइटम में इतनी भीड़ आ गई। हाँ अभी मेन हमारे खस्ते पे ज्यादा फोकस है, लोग खस्ता ज्यादा लाइक करते हैं हमारे यहाँ का, तो खस्ते और बड़े। टाइमिंग क्या वैसे शॉप की आपकी? टाइमिंग सुबह हमारी 7 बजे ओपन हो जाती है, 7 से 4। तो हुसैनगंज के राजा हैं आप? नहीं बिल्कुल भैया, है ना, राजा तो भगवान है। भाई चलो दिखाते हैं। तो ये खस्ते आपके बन रहे हैं? हाँ जी, ये खस्ते की दाल है हमारी। हाँ। इसकी पेड़ी भरी जा रही है खस्तों की। पेड़ी भरी है। और वो मैदे की है? वो मैदा है। हाँ। इसमें खस्ते की दाल भर करके और तो ये खस्ता दाल में मसाले वगैरह भी ऐड होंगे? हाँ वो तो सारे मसाले में, दाल में बेसन होता है, सौंफ होती है और भी बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं उसके अंदर स्वाद के लिए। तो आज क्या खिलाएंगे हमें? आज आपको हम गर्म खस्ते खिलाएंगे। जैसे खस्ते के नाम पे आपकी शॉप चल रही है तो खस्ता ही खिलाएंगे? हमारा खस्ता और वड़ा। खस्ता और वड़ा। अभी चलो भैया निकालते हैं, दिखाते हैं आपको। तो निकलवाते हैं लेकिन पहले आपको सब्जियों के दर्शन कराते हैं एक बार। आइए कराते हैं आपको। तो भाई चलो ओपन करवाते हैं सारे पिटारे जो जादू के हैं सुबह सुबह। तो ये हटा ढक्कन। मटर, ये मटर है, ये मटर होती है। हाँ इसमें कुछ भी नहीं डालते हम लोग, ना लहसुन डालते हैं, ना प्याज डालते हैं, ना टमाटर, ना कटाई, कुछ नहीं पड़ता है, कुछ नहीं है, ना ऑयल, बिना ऑयल, कुछ बिना ऑयल की होती है, बिना लहसुन प्याज की सब्जी होती है हमारे यहाँ। क्या बात, मतलब हर कोई खा सकता है? हर कोई इसको खा सकता है। सबसे बेस्ट हमारे यहाँ ये होती है, हर आदमी इसको ज्यादा ही लाइक करता है। भटूरे ही बनते तो हमारे यहाँ लोग इसी से ही खाते हैं, छोले से कम खाते हैं। जो लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे वो इसी से ही खाते हैं। मतलब फिलहाल तो ऐसा कहीं मिल नहीं रहा आप दे रहे हैं? हमारे यहाँ सब बिना लहसुन प्याज का आइटम है सारा खाना। और ये हमारे स्पाइसी लाल आलू। वाह भाई वाह, ये स्पाइसी आलू होते हैं लाल वाले, तो यहाँ के लोग ज्यादा इसको लाइक करते हैं लाल आलू। लाल आलू भाई, लाल खाने के बाद लोग लाल तो नहीं हो जाते हैं? चेहरा लाल होता है, चेहरा लाल हो जाता है, उनको पसंद यही वाला आलू आता है। और तीसरा पिटारा ओपन हुआ हमारा, ये है छोले। छोले हमारे जो है भटूरे के साथ में चलते हैं और छोले चावल के साथ में चलते हैं। वैसे ग्रेवी बहुत तगड़ी दिख रही है। हाँ वो आप टेस्ट कराएंगे अभी हम आपको। और ये क्या है? यही वाली सब्जी है, वो थोड़े ज्यादा होता तो इसमें हम लोग रख लेते हैं। और क्या है? और हमारा ये प्याज है, छोले चावल है, ये दरवाजा भाई ये प्याज कट करके रखा हुआ है। और ये चावल है, राइस देख लीजिए, राइस रखे हुए हैं, राइस है और मिर्ची रखी हुई, इनकी फ्राई करी हुई, बाकी नींबू है, ये सारा आइटम कस्टमर के साथ ही हम सारा आइटम देते हैं। नींबू है, मिर्चा है, प्याज है और एक चीज ये अचार है, ये भटूरे है, उसके साथ लोग जिसको खाना होता है वो खाते हैं। क्या करते हैं ये पत्ते में ही हम लोग पैक करके देते हैं, जैसे बहुत से पुराने लोग आते हैं तो उन्हें पत्ते में ही ज्यादा पसंद आता है खाना, और तो पत्ते में ज्यादा लाइक करते हैं। जो कस्टमर यहाँ आता है उसको भी पत्ते में सर्व, वो पत्ते में जो लोकल कस्टमर है उन्हें पत्ते में ज्यादा अच्छा लगता है। उनको प्लेट्स में देते तो मना करते थे भैया मुझे पत्ते में ही चाहिए खाने, मतलब पुरानी जमाने की चीजें, तो उनको पत्ते में ज्यादा पसंद आता है, पत्ते में ही वो ज्यादा लाइक करते हैं खाना अपना। चलो भाई खस्ते निकलवाते हैं अपने, जरा हम लोग ऑयल में डलवाते हैं। तो भाई चलो खस्ते अपने ऑयल के अंदर जाने वाले, लेकिन खस्ते की जो भी लोई वगैरह रखी हुई है फिलिंग करके पिंडिया भर के रखी गई हैं, तो ये सारी एक साथ जाने वाली है बेलने के लिए भी। तो भैया जा रहे हैं अपने खस्ते बेलने के लिए, ये सारी एक साथ पलटा दिए गए और अब बेले जाएंगे अपने खस्ते और जाएंगे ऑयल के अंदर। कच्चे खस्ते निकाले जाते हैं ये, क्योंकि धीमी आंच में ये पकते बहुत धीमे धीमे, अभी तेज आंच है, एक बार डाल के तुरंत निकाल लेते हैं हम लोग। और इसके बाद ये दोबारा भी पूरा फ्राई होगा। वैसे कितने लोग हुसैनगंज के दीवाने हैं जो आपके खस्ते खाने आते हैं? कि फिलहाल कितने लोग मार्केट में? तो काफी लोग आते हैं, खैर हमारे पास दोपहर में और ज्यादा रश हो जाता है, अभी तो सुबह का टाइम है। बाकी मतलब कितने लोग खस्ते खा जाते होंगे आपके यहाँ के? वैसे काउंटिंग तो नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी कम से कम 2-4-500 आदमी तो बर्थडे आते ही होगा खाने हमारे पास। आते ही होगा खाने। और हमारे यहाँ सब सोयाबीन रिफाइंड में ही बनाया जाता है, हमारा जितना भी है, जितना आइटम है, जितना भी आइटम है। तो भाई खस्ते अपने हाफ फ्राई हो चुके हैं और उतने सारे निकाल के रखे जा चुके हैं साइड में, देख सकते हो आप लोग। और अभी ये दोबारा फ्राई करे जाएंगे तब इन खस्तों को खाने का मजा कुछ और आएगा। तो अभी भैया अपने बड़े भी दिखाने वाले हैं जो इनके यहाँ पे बड़े बनते हैं।
तो भाई अपने जितने भी खस्ते थे हाफ फ्राई होके निकल चुके हैं, अब एक बार और फ्राई करे जाएंगे ये। तो ये बड़े वाली दाल आ रही भैया, जो बड़े बनाए जाते हैं उसकी दाल आ चुकी है, उड़द की दाल है ये। अदरक होता है, पालक होता है, हरा मिर्चा होता है, बेसन होता है, मिक्स होता है। तो चलो भाई चैंपियन आए, ये देखिए वड़ा बनाना चालू कर दिया। तो भाई वड़ा का साइज देख लो, इतना बड़ा है और ये जा रहा है, वड़ा बड़ा हो गया तेल के अंदर जा करके। अच्छा मतलब हाफ फ्राई इसको भी करते हैं आप लोग। तो भाई जो बड़े हैं वो भी हाफ फ्राई करे जाते हैं, एक बार दोबारा में फुल फ्राई होते हैं। वाह भाई वाह, कलर देख लो बिल्कुल गजब का लग रहा भाई, मतलब अभी हाफ फ्राई है तो ऐसा कलर आ रहा है, और जब अभी फुल फ्राई हो जाएंगे। और आप ये देख सकते हो इनके जो बड़े निकल रहे हैं, इस पे पालक वगैरह जो डाली गई है उसकी पत्तियां दिख रही हैं। तो भैया बड़े भी अपने निकल चुके हैं हाफ फ्राई होकर, अब फुल फ्राई की बारी है। तो भाई ऑयल ऐड करा जा रहा है और इसमें, और जितना ऑयल इनके यहाँ यूज किया जाता है सोयाबीन वाला यूज किया जाता है। और अब अपने जा रहे हैं खस्ते दोबारा फ्राई होने के लिए, और ये देख लो रिफाइंड का पैकेट आ चुका है। तो भाई चलो अपने खस्ते जा रहे हैं दोबारा फ्राई होने के लिए, हाफ फ्राई हो चुके थे, फुल फ्राई खाने का मजा ही कुछ और आता है। और जब तक ब्राउन लेयर ना हो जाए, खस्ते करारे ना हो जाए, तब तक खाने का मजा नहीं आता कुछ भी। वाह भाई, जैसे स्विमिंग पूल में नीचे से फिल्टर लगा होता है ना, तो वैसे से नीचे फिल्टर चल रहा है और ऊपर से सब जा रहे हैं डबा डब डबा डब। अब ये खोए की तरह वाइट चमक रहे थे, लेकिन अब ये ब्राउन होने वाले हैं बिल्कुल। तो भाई खस्ते अपने लगभग फ्राई हो चुके हैं और अभी लेयर बस ब्राउन होनी बाकी है। देख रहे हो आप खस्ते फूलने लगे हैं अपने। खस्ते देख रहे हो अपने, सारे खस्ते फूल चुके हैं अपने पूरी तरह से। तो अब ये क्रिस्पी होंगे, क्योंकि अंदर से जब तक लेयर पक ना जाए और बाहर से पक ना जाए तो खाने का मजा नहीं आता इसे। अरे भी बड़ा की एंट्री हो रही भैया अंदर, जो बड़े हैं वो भी जा रहे हैं, कह रहे हैं हम बड़े तो हम कहाँ से बाहर रह जाएं कढ़ाई के, हम भी जाएंगे अंदर। इससे अपने करारे होते हुए लेयर ब्राउन हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई है वो भी हो जाए। और नीचे से बड़ा कह रहा है मैं बड़ा हूँ, मैं ऊपर आ गया। खस्ते तो निकलने वाले हैं, लेकिन खस्ते निकलने से पहले खस्ते वालों की लाइन देख लो, पहले से लग जाती खस्ते की लाइन, तो भाई समझ सकते हो कि क्या मिल रहा होगा इन खस्ते में। तो चलो भाई ऑयल बाहर आ रहा है, खस्ते भी बाहर आने वाले हैं। तो भाई चलो लगने जा रहे हैं अपने खस्ते और वड़ा दोनों। तो ये आया पत्ता, पत्ता कौन सा है, सागौन का है, सागौन का पत्ता होता है भैया। और ये आ रही है इनकी सब्जी मटर वाली, हाँ। और ये आ रही है लाल आलू स्पाइसी वाली।
और ये आ गया प्याज, ये आ गया नींबू, ये आ गया मिर्ची, अब आ रहे हैं क्या खस्ते जिनका इंतजार हो रहा था, और ये आ गया बड़े। तो चलो भाई प्लेट अपनी हो चुकी तैयार, चलते हैं ट्राई करते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। तो भाई चलो आ चुके अपने करारे खस्ते, तो खस्ते का साइज भी है बढ़िया अच्छा खासा है और हेल्दी है क्योंकि मोटा है ये। तो चलो खाते हैं भाई, तोड़ते हैं दिखाते हैं आपको पहले कि कितना क्रिस्पी है, अंदर से गरम गरम हवा आ रही है। और ये है मटर, और जब मटर खाते हैं तो चटर पटर करते हुए जाते हैं। मटर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, और इसमें अंदर देख सकते हो आप दाल दिख रही है चारों तरफ लेयर लगी हुई है, तो अंदर से जो मसाले और दाल लगाई जाती है खस्ते खाने का असली मजा उसी में आता है। और अब ये रह गई है जहरीली वाली जो स्पाइसी वाली रेड वाली आलू, ऐसे ही ट्राई करते हैं। स्पाइसी तो नहीं लेकिन मसालेदार काफी अच्छी है, और थोड़ा सा इनका सेवन करके देख लेते हैं। अब वड़ा की बारी आ गई, तो वड़ा दिखाते हैं आपको तोड़ते हुए। वाह भाई देख रहा हूँ अंदर से क्या सीन है, भाप निकल रही है गरम गरम है, ये भी खा के देखते हैं। मिर्ची बहुत ही स्पाइसी है, मजा आ गई लेकिन खा करके लिटरली। अगर आप आओगे और खाओगे भाई लखनऊ आना तो खाने जरूर आना एक बार, मतलब टेस्ट में दम है। और जो पहली चीज़ ये जो पत्ते में सर्व करी जा रही है, जैसे कि केले के पत्ते में फूड खाने का मज़ा कुछ और आता है, वैसे सागौन के पत्ते में खस्ते वगैरह खाने का मज़ा कुछ और आ रहा है, क्योंकि एक तरह से टेस्ट थोड़ा चेंज तो हो ही जाता है। तो फाइनली फिनिश करते हैं अपने खस्ते, बहुत ही लेयर क्रिस्पी है और बड़ा भी खाकर मज़ा आ गई, लेकिन मिर्ची बहुत तगड़ी स्पाइसी है। तो भैया खस्ते का प्राइस क्या है? 30 रुपए प्लेट है, उस पर कितने खस्ते? दो पीस खस्ते। सिंगल बड़ा भी सेम रेट पड़ता है 30 का, मतलब एक एक फाल रखता है, मतलब 30 रुपए में एक खस्ता और एक खस्ता बड़ा का सेट होता है। किसी को खस्ता खाना होता है तो खस्ता लेता है, जिसको बड़ा खाना होता है एक खस्ता बड़ा मिला के ले जाता है, दोनों मिला के बड़ा हो जाता है, दोनों का सेम प्राइस सेम होता है। चलो भाई खस्ते तो फिनिश कर लिया और वड़ा भी, दिखाते हैं अब आपको लोकेशन क्या है, लोकेशन शॉप की लोकेशन क्या है जो दुर्गा खस्ता भंडार है। तो ये सबसे फेमस लैंडमार्क आपको दिखाते हैं, पहले हुसैनगंज का मेट्रो स्टेशन बना हुआ गेट नंबर 2, उसके जस्ट अपोजिट आपको ये शॉप मिलेगी चौराहे पे। तो भाई इतनी ये फेमस लैंडमार्क है, और भी देख सकते हो आप कुछ, जैसे कि डायमंड होटल बना हुआ है और सिल्वर स्पून की बेकरी बनी हुई है, लेकिन सबसे फेमस लैंडमार्क है वो कहीं नहीं जाने वाली, बाकी शॉप जा सकती है, लेकिन ये हुसैनगंज का जो बना हुआ है क्या मेट्रो स्टेशन वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो भाई वाकई खाकर मज़ा आ गई, इनके खस्ते भी खा के मज़ा आई, और जो इनकी मटर थी जो सब्जी मिली मटर की उसमें बिल्कुल मटर नहीं दिख रही थी, लेकिन जो इन्होंने जैसे कि बताया विदाउट लहसुन प्याज की बनी हुई है, और उसमें हींग वगैरह की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, खाने के बाद टेस्ट समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ खाया और वैसा कुछ भी नहीं है, और स्पाइसी आलू थी वो खा के, लेकिन मिर्ची खा के धुआं निकल आया। तो फाइनली अपना आज के वीडियो यही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन जरूर ऑन कर लिया करो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे कहीं नेक्स्ट व्लॉग में।